हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो फाइनली रेडमी नोट 5 प्रो के लिए MIUI 10 का बीटा पब्लिक ग्लोबल बीटा का वर्जन आ गया है, जिसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बूट लोडर अनलॉक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो है आप ध्यान से देख लो, मेरा जो अभी है MIUI 9.5.14 ग्लोबल स्टेबल वर्जन है फिलहाल, ठीक है। तो अब मैं इसको ग्लोबल से स्टेबल जो था उसको मैं लेके जा रहा हूं अब बीटा में, ठीक है। तो मैं बता चुका हूं कि क्लोज बीटा और पब्लिक बीटा क्या होता है, और फिलहाल मुझे पब्लिक बीटा का एक ऐप मिल गया है, मतलब रॉम मिल गया है, तो उसे इंस्टॉल करते हैं। तो हम जाएंगे इसके लिए अबाउट फोन में, उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम अपडेट में, और यहां पर एक 3 डॉट का मेन्यू आता है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे चूज अपडेटर पैकेज, ठीक है। यहां जाने के बाद आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, फाइल मैनेजर के बाद इंटरनल स्टोरेज, ये मेरा लोकेशन है, आपका लोकेशन जो हो फाइल का आप वो करना। तो यहां पे वो फाइल है MIUI HM Note 5 Pro ग्लोबल 8.7.5, ठीक है, और बाकी ज्यादा डिटेल इसमें दिख नहीं रहा है, तो आगे वो इंस्टॉल करते वक्त दिखेगा। तो ये जो है अभी गेटिंग इन्फो करके लिख रहा है। हाँ, इसको इंस्टॉल करने के रिस्क ये है कि आप दोबारा से डाउनग्रेड करके 9.5.14 में नहीं आ पाएंगे, आपका जो है वो रुक जाएगा, और आपके में सिर्फ और सिर्फ अगला जो है ग्लोबल बीटा का ही अपडेट जो है वो ही आगे का इंस्टॉल हो पाएगा। अगर आपको डाउनग्रेड करना है तो उसके लिए आपको अपना बूट लोडर अनलॉक करना होगा, और यहां देखो डिस्क्रिप्टिंग फाइल हो रहा है, ठीक है, आपको बूट लोडर अनलॉक करना होगा, और उसके बाद आपको इसके अंदर OS चढ़ाना होगा, जो भी आप चढ़ाना चाहेंगे, डाउनग्रेड करना या अपग्रेड करना, फिर आप जो भी चाहो। और बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको MI कम्युनिटी में अप्लाई करना होगा, MI की वेबसाइट होती है, और अप्लाई करने पर आपका कोई भी डेटा का लॉस तो नहीं होगा और वारंटी का भी लॉस नहीं होगा। तो यहां पर देखो ये रॉम तो काम कर गई 100%। यहां देखिएगा आप क्या लिखा हुआ है, यू आर गोइंग टू रिवर्ट टू MIUI वर्जन HM WHY रेड ग्लोबल 8.7.5, योर पर्सनल डेटा विल बी erased। तो इस वर्जन को इंस्टॉल करने पे आपका फोन खाली हो जाएगा। तो खाली करना है तो erase एंड अपडेट पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये दो बार पूछते हैं क्योंकि रिस्की चीज होता है। तो एक्चुअली मेरा फोन जो है खाली ही था, क्योंकि एक हफ्ते पहले सर्विस सेंटर गया था, और कुछ दिनों पहले जो है कि मैं यही अपडेट इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश कर रहा था 2-3 दिनों से, बट हो नहीं पा रहा था, बहुत सारे रॉम डाउनलोड किए और बहुत डेटा बर्बाद हुआ। फाइनली मुझे पब्लिक बीटा और क्लोज बीटा के बीच में फर्क समझ में आया। तो ये इंस्टॉल ले चुका है, और कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम मैं बता दूं आपको, 5 से 10 मिनट लगेगा। तो मैं 10 मिनट के लिए वीडियो होल्ड पे कर देता हूं, और उसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। रिबूट में ही यार 10 मिनट लग गए, तो टोटल 15 मिनट तो लग ही गया फाइनली। खैर छोड़ो, कोई ना, MIUI 10 आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है। और एक बात जो मेरे फ्रेंड हर्षित ने बताई थी कि बूट लोडर दिखाना होता है कि अनलॉक है या नहीं, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी फोन स्टार्ट करने के बाद आपको दिखा दूंगा कि मेरा बूट लोडर जो है वो अभी भी लॉक्ड है, और फिर भी मेरे फोन में जो है रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर जो है MIUI 10 का अपडेट इजिली इंस्टॉल हो गया, क्योंकि मेरे पास था ग्लोबल पब्लिक बीटा। हालांकि लोग कहेंगे कि ये फ्राइडे को लॉन्च होता है, बट पता नहीं कैसे आज मिल गया यार, मुझे कहीं से मिला तो मैंने आपको दिखा दिया। ओके दोस्तों, फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे फोन में जो है रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर जो है इंस्टॉल हो गया है MIUI 10, और ये देखो आप बिल्कुल MIUI 10 है, और मैं कोई थीम वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं। तो ये सब हमें बेसिक एप्स यहां पे देखने को मिले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो एक गेम सेंटर नाम का एक ऐप मिल गया है, और शेयर इट इसके अंदर से इस लिस्ट में से फटाफट गायब हो गया है। तो शेयर इट अब इस लिस्ट में आपको नहीं दिखेगा। तो हम जल्दी से चलते हैं सेटिंग में और देखते हैं कि क्या कुछ हमें यहां पर मिल गया है। तो अबाउट फोन में चलते हैं, सिस्टम अपडेट में चलते हैं, और देखते हैं कि मेरे पास क्या है। फिलहाल हमारे पास अपडेट है MIUI 10.8.7.5 वीकली अपडेट। तो हालांकि इसमें कहीं पे लिखा नहीं है कि बीटा टेस्टर वाला अपडेट है, खैर कोई बात नहीं। तो यहां पर भी आपको देखिए देखने को मिल जाएगा, यहां लिखा हुआ बीटा टेस्टर MIUI वर्जन 10.10 का ग्लोबल 8.7.5 बीटा। पब्लिक बीटा तो नहीं लिख के आता है, यही लिख के आता है, खैर कोई बात नहीं। तो अब हमें वीकली अपडेट मिलेगा, और ये सब कुछ हमें यहां पर देखने को मिल गया है। सिक्योरिटी पैच लेवल अभी भी वही पुराना वाला है, एंड्रॉइड वर्जन भी वही है, इसमें कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिला है। तो MIUI 10 आने के बाद इसमें बहुत सारे नए नए फीचर आ गए हैं, तो फीचर के लिए जो डेडिकेटेड वीडियो है वो हम लोग बाद में बनाएंगे, क्या बग आया है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा कैमरा का सैंपल देख लेता हूं मैं, तो अलाउ, और यहां पर कैमरा जो है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, रियर कैमरा, खैर वो तो मैं यूज करके देख लूंगा कि कैसा है। और फ्रंट कैमरा में तो आप मुझे भी देख लोगे, तो फ्रंट कैमरा भी ठीक ही ठाक है अभी, मतलब रात के टाइम में मैं कह नहीं सकता कि क्या क्या बग आए हैं। आपको इंस्टॉल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ और आप इंस्टॉल कर लो। और अगर आप इसकी रिव्यू का वेट कर रहे हो तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, कल दिन में मेरी वीडियो आएगी इसकी रिव्यू की, तो उसमें मैं बता दूंगा कि क्या कुछ हमें मिला है और क्या बग्स वगैरह इसके अंदर हमें साथ साथ देखने को
मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं उन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इंस्टॉल कर लो, और अगर आप वेट करना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट भी कर लो। तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मेरा जो बूट लोडर है वो अनलॉक नहीं है। हाँ, तो OEM अनलॉकिंग जो है वो बंद है, और साथ ही साथ मी अकाउंट मी अनलॉक स्टेटस भी आप देख लो, तो ये भी जो मेरा है स्टेटस अनलॉक है, सॉरी लॉक्ड है। तो अब आपको यकीन हो गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए।